हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ, टॉपिक इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, आपका एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम बी टू ए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम बी टू ए। सब्जेक्ट अपना ये हो गया, बट सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। सब्जेक्ट जो दिया गया उसके कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस दैट यू वांट टू चेंज योर सेक्शन, यू हैव टू गिव द रीजंस। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर यू विल राइट सेंडर्स एड्रेस। यू कैन राइट हेयर यही लिख दीजिए। जब आप विद्यालय में पत्र लिखते हैं तो इस सेंडर्स एड्रेस का कोई खास मूल्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय का, विद्यार्थी का पूरा एड्रेस विद्यालय में होता है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर भी लिख देते हैं, एक पंक्ति छोड़ करके डेट लिखिए। चौदह अगस्त 2020, दो पंक्ति छोड़ करके पद का नाम लिखिए, एक पंक्ति छोड़ करके स्कूल का नाम कुछ नहीं है, यूअर स्कूल लिखा हुआ है, गवर्नमेंट सीनियर, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को लिखिए, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर को लिखिए, हेडमिस्ट्रेस है तो हेडमिस्ट्रेस को लिखिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमर, एक पंक्ति छोड़कर के सब्जेक्ट, फोर सेक्शन चेंज या फोर चेंजिंग सेक्शन, एक पंक्ति छोड़ कर के सर आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स माय दिस पोलाइट लेटर, लिख दीजिए एप्लीकेशन, लिख दीजिए टुवर्ड्स माय देश एप्लीकेशन। टू चेंज माय
सेक्शन। आई गॉट 72% मार्क्स इन क्लास एट्थ। ऑल द स्टूडेंट्स who got the same marks have been promoted to section A while I to B। I want to compete। I may want चाहता हूँ to compete among those students। यहाँ पैरा चेंज कीजिए, नीचे पैरा चेंज करना है। Therefore, I request you to change my section from B to A as soon as possible। I shall be grateful to you। नीचे thanking you yours obediently। अपना नाम लिख दीजिए, निखिल। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूँ। देखिए ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल को पत्र लिखिए चेंज योर सेक्शन फ्रॉम बी टू ए, अपना सेक्शन बी से ए बदलवाने के लिए। एड्रेस आपका हो गया कठुमर। You have to give the space of one line, then you have to write the date, on the date you are writing a letter, then give the space of at least two lines, then write name of the post, post name is given in your question, then you have to write name of the institute, institute's name is not given in your question, you can write any name of the institute, any name of your school, then below you have to write name of the place, give the space of at least one line, then you have to write the subject, subject is given in your question, okay, then sir I want to bring your kind notice, main tumhara dayalu dhyan lana chahunga towards my this application, mere is prarthana patr ki aur, application mane prarthana patr, टू चेंज माई सेक्शन, मेरा सेक्शन बदलने के लिए। आई गॉट मैंने प्राप्त किया। गॉट के स्थान पर आप एक शब्द और लिख सकते हो, अबटेन, OBTAINED, अबटेन, मैंने प्राप्त किया 72% मार्क्स इन क्लास एट, कक्षा आठ में। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी हु गॉट द सेम मार्क्स, उन्होंने जितने अंक प्राप्त किए, हैव बीन प्रमोटेड, वो प्रमोट कर दिए गए टू सेक्शन ए, सेक्शन ए में, वाइल जबकि आई टू बी, मुझे कहाँ प्रमोट किया गया,
बी में प्रमोट किया गया, आई वांट, मैं चाहता हूँ टू कम्पेट माने प्रतियोगिता करना अमोंग दोज स्टूडेंट्स उन विद्यार्थियों में। ये कारण है, दीज आर द रीजन्स दैट यू वांट टू चेंज योर सेक्शन। देयर कैन बी सो मैन रीजन्स, आप रीजन लिख सकते हो, माई जो ब्रदर है वो रीड्स इन सेक्शन ए, माई एल्डर ब्रदर और यंग ब्रदर रीड्स इन सेक्शन ए, माई फादर इज पुअर फार्मर, ही बॉट वन सेट ऑफ बुक्स फॉर अस, आई वॉन्ट टू स्टडी विद माई ब्रदर इन द सेक्शन, माई फादर इज अनेबल टू बाई अनदर सेट ऑफ बुक्स। ये लिख सकते हो, ये रीजन लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि मैं जिस क्लास में पढ़ता हूँ मेरे सेक्शन में कुछ बच्चे हैं जो शरारती हैं, देर आर सम नटी बॉयज इन माई सेक्शन हु बिलोंग्स टू ए हाई प्रोफाइल फैमिली हु टीज मी, जो मुझे परेशान करते हैं, मुझे सताते हैं। आई कंप्लेन टू द क्लास टीचर बट ऑल इन वेन, ही डिड नॉट पे एनी हीड, उसने अध्यापक ने भी कक्षा अध्यापक ने भी कोई ध्यान नहीं दिया था। ये लिख सकते हो, देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई सेक्शन फ्रॉम बी टू ए एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी इतनी संभव हो, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। ये आपका यहाँ कंप्लीट क्या कहते हैं पत्र हो गया है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। ओके, चलिए मैं साइड मटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए, स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो वीडियो को पॉज करते हुए आप इस चैनल पर ही इसको कॉपी कर सकते हो, अपनी नोटबुक में आप इसे नोट कर सकते हो। ओके डियर्स, चलिए आपने अच्छे से इस लेटर को सीख लिया है, जान लिया है। अगले पत्र के साथ फिर यहाँ मैं उपस्थित हूँगा। नेक्स्ट जो आपका लेटर होगा, द लेटर विल नॉट बिलोंग टू यूअर स्कूल, इट will belong to another post as the collector, as the president, as the inspector. Okay, dears, with these words I finish my class. Thank you very much.